सुष्मिता सेन ने पहली बार ललित मोदी के साथ अपने रिश्ते को लेकर बड़ा खुलासा किया है। वो ललित मोदी के साथ रिश्ते में हैं भी या नहीं, सुष्मिता ने इस बात से भी पर्दा उठाया है। साथ ही सुष्मिता ने उन लोगों को करारा जवाब दिया है जिन्होंने उन्हें गोल्ड डिगर कहा। सुष्मिता हमेशा से अपनी शर्तों पर जीने वाली महिला रही हैं। उनकी जिंदगी इतनी रोमांचक रही है कि उस पर एक शानदार फिल्म बनाई जा सकती है। यही वजह है कि लोग उनकी जिंदगी से बहुत प्रभावित रहते हैं। पिछले साल भारत से भगोड़ा घोषित किए जा चुके अरबपति बिजनेसमैन ललित मोदी के साथ सुष्मिता की कुछ तस्वीरें सामने आई थी। इनमें सुष्मिता और ललित काफी क्लोज दिखाई दिए। ललित मोदी ने खुद इन तस्वीरों को पोस्ट कर बताया कि सुष्मिता और वो रिश्ते में हैं। इन तस्वीरों में एक जगह सुष्मिता रिंग पहने हुए भी नजर आईं, जिसे देखकर अंदाजा लगाया गया कि सुष्मिता ने ललित मोदी के साथ अपना रिश्ता स्वीकार कर लिया है। इसे लेकर सुष्मिता की भारत में कड़ी आलोचना हुई और उन्हें लोगों ने गोल्ड डिगर तक कहा। कहा गया कि सुष्मिता ने सिर्फ पैसों के लिए ललित मोदी से अपना रिश्ता जोड़ लिया है। इतने समय तक शांत रहने के बाद अब फाइनली सुष्मिता ने इस रिश्ते की सच्चाई बताते हुए ट्रोलर्स को अपने अंदाज में जवाब दिया है। जूम को दिए इंटरव्यू में सुष्मिता ने कहा, अच्छा हुआ कि उन लोगों के कमेंट्स मुझ तक आए और मैं गोल्ड डिगर का सही मतलब समझ सकी। बेइज्जती तब होती है जब उसे आप अपने पास ले लेते हैं, लेकिन मैंने तो इसे लिया ही नहीं। कुछ चीजें होती हैं जिनसे आपका कोई लेना देना नहीं होता। अब मुझे ये कहने की जरूरत नहीं कि इससे आपका कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। हालांकि इस दौरान सुष्मिता ने इस बात का भी हिंट दे दिया कि वो सिंगल हैं। सुष्मिता ने अपने अंदाज में लोगों से ये पता लगाने को कहा कि वो ढूंढें कि वो सिंगल हैं या नहीं। सुष्मिता के इस जवाब को सुनकर शायद ललित मोदी को गहरा झटका लगा होगा, क्योंकि अब तक वो ही अपनी तरफ से इस रिश्ते को जाहिर करते आए हैं। वेल, सुष्मिता के इस जवाब पर आप क्या कहेंगे? अपनी राय हमें कमेंट में दीजिए और ज्यादा ऐसी अपडेट्स के लिए बॉलीवुड पे चर्चा को सब्सक्राइब कीजिए।